नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम की तरफ से नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सबको विदित है, आज नवरात्रे का चौथा दिन है और आज के दिन माँ कूष्मांडा की पूजन अर्चना की जाती है। माँ कूष्मांडा अम्बे माँ का चौथा स्वरूप है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया है। देवी कूष्मांडा व उनकी आठ भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवनी शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। इस देवी की आठ भुजाएं हैं। इनके सात हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। तो आइए हम माँ की स्तुति कर कथा प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सारी सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति किसी में नहीं है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजन आराधना करनी चाहिए। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं और आयु यश में वृद्धि होती है। यह भी कहा जाता है कि इनकी पूजा से सूर्य ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। माँ कूष्मांडा देवी को मालपुए का भोग लगाया जाता है। ये देवी अलप्य सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। एक मान्यता ऐसी भी है कि माँ कूष्मांडा का मतलब कुम्हरा से है। संस्कृत में कुम्हरे को कूष्मांड कहते हैं और यह कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने संसार को दैत्यों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। इनका वाहन सिंह है। यह परम सुख को प्रदान करने वाली माँ है। तो बोलिए माँ कूष्मांडा की जय। दुर्गति नाशनी त्वयि दरिद्रादि विनाशनी, जयं ददन्दा कूष्मांडे प्रणमाम्यम्। जगत माता जगत कर्त्री जगतधार रूपिणी, चराचरेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्यम्। त्रैलोक सुंदरी त्वमी दुख शोक निवारणी, परमानंदमयी कूष्मांडे प्रणमाम्यम्। आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। अब हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे अगले वीडियो में हम आपको माँ स्कंद माता की कथा से अवगत कराएंगे। तो इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप इस सीरीज से जुड़े किसी भी अपडेट को मिस ना कर पाएं। जय माता दी।